भाई ये भी है 113 पे उठ गया और एक गड्डी अचानक से साइड चला गया। देखो तो पापा के साथ मिलना है ना, जाती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आज दो तीन दिन से फिर से इशू हो रहा है नेटवर्क का। दो तीन हफ्ते पहले भी हो रहा था नेटवर्क इशू। मैं सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड कर देता था पर अपलोड होता था 2 बजे 3 बजे, तो वो इशू फिर से आ रहा है। क्यों आ रहा है पता नहीं और कब सही होगा वो भी पता नहीं। और अभी तो बहुत कुछ प्लान हुआ है सामने आने इस महीने के अंदर ही, जो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो बाहर जाऊंगा टार्जन को लेकर, या बीस्ट जो भी बोलो उसको लेकर बाहर जाऊंगा। उधर जाकर आप लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ जा रहा हो, क्या करेंगे आने वाले टाइम में, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं बाहर और बाहर जाकर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। गाइज देखो, इसको मैं डी अटैच करके रखा था हेलमेट से, तो अभी फिर से अटैच करते हेलमेट पे और हेलमेट और ग्लव्स लेके निकलते हैं। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइज अभी तो निकल चुका हूँ, अभी तो ऐसे ही निकला हूँ। अभी तो बहुत प्लान हो रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले रोड पे चलते हैं, इसके बाद अभी तो 19 या 20 तारीख को मैं निकल जाऊँगा। कब जाऊँगा वो तो आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी रोड पे चल जाते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। डॉगीज़, तो गाइज अभी तो रोड पे आ चुका हूँ और मैं तो मायापुर जा रहा हूँ, तो इसलिए उस दिन तो बाइक लेके नहीं जाऊँगा। बाइक मैं अमित के घर पे ही रख दूँगा और उधर मैं ऐसे ही हाथ में कैमरा लेके व्लॉग करूँगा। बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ, देखते हैं 19-20 कब जाते। प्लान तो हुआ है तो मैं आप लोगों को तो बता दूँगा और आप लोग को तो पता चल जाएगा। और उधर बहुत सुंदर मंदिर है तो इसलिए ही जा रहा हूँ मायापुर। नाम से ही एक अलग फीलिंग आता है, तो उधर जाऊंगा और भी बहुत। और 2-3 दिन बाद शायद एक व्लॉग मिलेगा, सुबह सुबह निकल जाऊंगा हम लोग। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं राजदीप और भी बहुत सारे दोस्त जाएगा। सुबह एकदम इको पार्क जाएंगे शायद कोलकाता में, तो देखते कब हो पाता है वो सब। और तब तो मैं काम से आते ही निकलना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैं तो काम से आ जाऊंगा। अभी तो काम से लेट करके आता हूँ, बहुत कम रहता है, पहले बहुत जल्दी आ जाता था, तब भी टाइम से 1 घंटे पहले आ जाता हूँ। अभी भी 9 घंटा ड्यूटी है तो मैं तो आ जाता हूँ 8 घंटा करके ही, तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है, टाइम इधर उधर करके मैनेज हो ही जाता है। सब कुछ तो मैं अकेले ही करता हूँ। तो अभी तो सामने हम लोगों का है डानकुनी टोल से क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर से आएंगे, जैसे ही घूमने निकला था। अभी तो बहुत ही जल्द फुल टैंक करेंगे, बहुत चला चुके हो। मेरा दोस्त जो है प्रशांत, तो वो इतना कम चला है क्या बोलूँ, 4 साल हो गया उसका RTR को, वो सिर्फ 13,000 किलोमीटर चलवाया है। और मेरा तो 4th मंथ ही हो रहा है, 4th-5th मंथ होने वाला है और मैं तो अभी भी 3,000 किलोमीटर चला चुका हूँ शायद। देखना पड़ेगा, देखते अभी। हाँ, 3,000 किलोमीटर प्राय हो चुका है अभी, और 90 किलोमीटर है, 87 किलोमीटर हो जाएगा तो पूरा 3,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो अभी टोल क्रॉस करते डानकुनी टोल। और चलते हैं, अभी तो मैं मेन रोड पे हूँ, उसके बाद मैं, वो भी मेन रोड ही होगा पर सिंगल रोड पड़ जाएगा, उसके बाद मैं तो सामने से घुमा लूँगा। अभी तो हर जगह काम ही काम चल रहा है, कब कंप्लीट होगा क्या पता। हन्ने हन्ने। गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इधर स्क्रीन पे आईडी आ जाएगा, आप लोग उधर जाकर फॉलो कर सकते हो। अभी तो रुकना पड़ेगा इधर। और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को आईडी मिल जाएगा, उधर से फॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत नया नया शॉट मैं देता रहता हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो अभी सिग्नल देने देते और मैं सामने जाकर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। भाई ये भी है 113 पे उठ गया, अरे गड्डी अचानक से साइड चला गया, देखो वाह गुड। बहुत वक्त है, दिस बाइक इज सो फार। और ये रास्ते तो भाई तो अभी काम चल रहे हैं, तो उतना जोर से भागने का कुछ है नहीं और भागना भी नहीं चाहिए। मिडिल में रुका हुआ है, क्या बोलूं इन लोग को यार, समझ में नहीं आता क्या इन लोग को थोड़ा सा दिमाग नहीं है कि मिडिल में नहीं रुकना चाहिए, क्या बोलूं। कोई बात नहीं, चलो अभी तो पापा के साथ मिल के आता हूँ, पापा के पास से घूम के आता हूँ थोड़ा सा, तभी चलते हैं लेफ्ट में। ऐसे चलो पापा के साथ मिलना है ना, चल जाती है चले चले गल चले जाती ना ना एम घूरते चल हाँ ये तो आसी हाँ। तो अभी तो ऐसे ही घूमने आया था, पापा के साथ मीट हो गया और अभी चलते हैं। गाइस अभी तो मैं किसी और रास्ते से जाने वाला था पर पापा के साथ मिला, उसके बाद हमको लगा कि नहीं इस रास्ते से ही चलते हैं, तो अभी इधर से ही चले जाते हैं, उधर से बहुत घूमना पड़ता और ये तो रोड बहुत ही हार्ड और बहुत ही सही रोड है, तो इसलिए इधर से ही चलते हैं। और इससे पहले बहुत ज़ोर से चला रहा था और गाड़ी अचानक से घुस गया, पर ये भी ऐसे तो इतना तो भरोसा है ना बाइक पे, और इसमें तो बहुत है, ये खुद गिरेगा पर हमको गिराएगा नहीं ऐसा, ठीक है कुछ ये देखो ये खुद गिर के टूट गया पर मैं गिरा नहीं था उस दिन, क्या बोलूँ। तो चलते हैं घर की तरफ, अभी बज कितना रहा है देखते, 4:55, तो अभी जाहिर भी इधर नहीं है, अभी तो काम पे गया शायद, तो अभी काम कर रहा, नहीं तो कॉल करता उसके साथ भी मीट कर लेता। दीदी के शादी के बाद अभी किसी से मीट नहीं किया उतना, तो कुछ कर नहीं सकते, उतना टाइम तो नहीं मिलता, अभी काम करता हूँ तो अभी चलते हैं। अभी तो फिर से सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, पीछे कुछ नहीं है। तो गाइस अभी जिधर मैं काम करता हूँ उधर से शायद मैं बहुत ही जल्द नया कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत ही जल्द करेंगे क्योंकि बहुत दिन काम कर लिया इधर, अभी नया कंपनी में जाने का समय हो गया। डन को नीट हो बस कर लिया, अभी बीट खागेगा, सबको बीट करेगा। जोर से चलाएंगे तो बाइक पे सही नहीं है, फोर व्हीलर रहता तो भागाते, पहले तो मैं बहुत फोर व्हीलर चलाता था, तो मैं जिधर रहता है उत्तर बड़ा उधर बहुत चलाता था रास्ते में, एकदम भागाता था बहुत एंजॉय करता था तब, अभी तो फोर व्हीलर बहुत दिनों से नहीं चलवाया। और साउंड देखो यार, आप लोग सुन पा रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, पर बहुत ही खतरनाक हो गया साउंड। 2000 years later. तो गाइस देखो अभी तो घर पे आ चुका हूँ और अभी बालों का हालत देखो कैसा हो गया, अभी तो हेलमेट पहना था तो ऐसा हो गया बालों का हालत। तो अभी तो थोड़ा बहुत एडिट करेंगे, एडिटिंग पे बैठ जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद काम पे जाएंगे, तो अभी तो बहुत काम है ठीक है।
तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करके खुद के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो दोस्त शेयर में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखना, तो नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं।